एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम हु दैट विच आदि वो शब्दों का प्रयोग करते हैं और दो वाक्यों को एक वाक्य में चेंज करते हैं। जो कि शब्द का मीनिंग आता है जब हम हु दैट और विच का प्रयोग करते हैं, और जिसका जिसकी और जिसके वर्ड जो बनते हैं वो हुज शब्द जब हम प्रयोग करते हैं उसके लिए किया जाता है। और इसी प्रकार जब हम हुम का यूज़ करते हैं तो जिसको मीनिंग आता है, जब का प्रयोग करते हैं तो व्हेन का यूज़ होता है, और व्हाई का यूज़ करते हैं तो क्यों शब्द का प्रयोग किया जाता है, और सेम या सच के लिए वही शब्द का मीनिंग हम प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार जहाँ दैट का प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव क्लॉज में उसका अर्थ जो निकलता है। तो हम दो सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, द मैन वॉज कॉट, ही स्टोल माई वॉच। दोनों सिंपल सेंटेंसेस हैं। द मैन वॉज कॉट पास्ट का सेंटेंस है, और ही स्टोल माई वॉच ये भी पास्ट का सेंटेंस है। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो द मैन हु स्टोल माई वॉच वॉज कॉट एक सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण को देखेंगे, द फॉक्स सा सम ग्रेप्स एक सिंपल सेंटेंस है पास्ट का, और दूसरा सेंटेंस है द ग्रेप्स वर हैंगिंग इन द गार्डन। तो दोनों को सिंपल वाक्यों को एक में कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा सेंटेंस, द फॉक्स सा सम ग्रेप्स विच वर हैंगिंग इन द गार्डन। यहाँ विच शब्द का हमने यूज किया दो वाक्यों को एक वाक्य में चेंज करने के लिए। इन एन अनदर एग्जाम्पल वी हैव द पेयर ऑफ सेंटेंसेस, द बॉय गॉट ए प्राइज। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, हिज एसे वॉज द बेस्ट। इस सेकेंड सेंटेंस में आप देखें कि हिज एसे वॉज द बेस्ट एक सिंपल सेंटेंस है। यहां इसके लिए हम हिज को ओमिट करते हैं और हुज का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे द बॉय हुज एसे वॉज द बेस्ट गॉट द प्राइज एक सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसी एडजेक्टिव क्लॉज की प्रक्रिया को समझने के लिए हम यहाँ दी गई इस एक्सरसाइज को देखते हैं। यू हैव टू कंबाइन द गिवन पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। इन दिए गए वाक्यों में जो गिनती में सात हैं आपको प्रॉपर एडजेक्टिव क्लॉज का सिलेक्शन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। वो बना हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। थैंक यू।